चलिए दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी टेम्पररी या फिर स्पेसिंग मेथड्स तो देख ली, पर अभी किसी को परमानेंटली आगे जाके कोई रिप्रोडक्शन नहीं करना है, यानी कि उनको कोई प्रोजेनिस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो कर दिया है, राइट? ओके, सो उस वक्त क्या किया जाए, राइट? उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो डेफिनेटली देयर इज परमानेंट सॉल्यूशन, बट ये जब होता है तो ये सर्जिकली होता है, राइट? तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल मेथड्स, टर्मिनल मेथड्स। चलिए, टर्मिनल मेथड्स के अंदर जो सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें है, टर्मिनल मेथड में सिर्फ एक ही है जिसको हम बोलेंगे सर्जिकल मेथड, और ये मेल और फीमेल में दोनों में ही अलग अलग तरह से यूज अलग अलग तरह से होती है। नाउ सी, दिस इज 100% इफेक्टिव। एक तो इसका इफेक्टिवनेस 100% है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि फिर इसको आप रिवर्स करना चाहते हो तो ये नहीं होगा, राइट? इससे 100% कंट्रासेप्शन तो मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी डेफिनेटली देयर, पर अगर आप इसको ई रिवर्स करना चाहो तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, कि ये एक सर्जिकल मेथड है तो कौन इसको कर सकता है? तो सर्जिकल मेथड इज ऑलवेज परफॉर्म बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स ओनली, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, राइट? बहुत सारे लोग इसको दूसरे जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं, और ज्यादातर लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें कि सर्जिकल मेथड्स में होता क्या है। तो सर्जिकल मेथड्स दो तरह की है, एक है मेल के लिए, चलिए इसको समझते हैं। मेल के लिए वर्ड दिया गया है इसको वैसेक्टोमी, ठीक है? वर्ड क्या दिया गया है इसको? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है तो समझिए, थोड़ा हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कि ये बॉडी है, दिस इज द पेनिस एंड दिस वन ओवर हियर देर इज टेस्टिस, ओके? तो ये जो टेस्टिस है वहां से यहाँ पर जो स्पर्म कैरी करती जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं वासा डेफरेंस, राइट? तो इसको थोड़ा हम समझे तो ये जो है दिस इज टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर आएगा एपिडिडाइमिस, राइट? और एपिडिडाइमिस से होता जाएगा, दिस इज रिफर्ड एज वासा डेफरेंस, ओके? तो ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडाइमिस। तो स्पर्म भाई कहां पर बनता है? तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, वहां से कहां पर जाएगा? एपिडिडाइमिस, और वहां से ट्रैवल होते जाता है यहां पर वास डेफरेंस में। तो इसको क्या करते हैं, जब यहां से वासा डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर लिया जाता है, राइट? इट इज टाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स, इट इज कट एंड टाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। तो क्या होगा कि यहां से जब स्पर्म जाने को ट्राई करेगा, यहां से वी कैन कट एंड टाई इट फ्रॉम बोथ द एंड्स, इससे क्या होगा, सिर्फ स्पर्म नहीं जाएगा। बच्चों समझो, सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस है, राइट? सीमेन और स्पर्म में क्या है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, रिमेम्बर दिस। और उसकी वजह से क्या होगा कि सीमेन तो रिलीज होगा इजेक्युलेशन के टाइम पर उसमें क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा, राइट? सो यहां पर जो वैसेक्टोमी है उसमें क्या होता है, वासा डिफरेंस इज कट एंड टाइड फ्रॉम बोथ
एंड्स, राइट, जिससे क्या हो जाएगा कि स्पर्म ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो भाई स्पर्म का क्या होता है वो भी एक बात है, व्हाट इज द फेट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का जो फेट है वो है कि जब स्पर्म बनेगा तो वो खुद ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया मेल के अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट फीमेल, फीमेल के अंदर जो बोलते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी और ट्यूबेल लाइगेशन यानी कि टाइंग, राइट, ट्यूबल लाइगेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा। समझिए कि ये ओवरी है, राइट, ये ओवरी हो गई, यहां से ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, राइट। तो यहां से केस हो गया ऐसा, ये हो गया यूट्रस और यहां पर दूसरी हो गई, राइट। तो क्या होता है, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग है, यहां से क्या होता है कि ओवा बन के यहां से रिलीज होता है यहां पर, या फिर ये ओवरी में से हो सकता है, ओके। तो यहां से ये जाता है और फिर ट्रैवल करता हुआ यहां पर फर्टिलाइजेशन ज्यादातर होता है। तो क्या करते हैं, यहां उसको कट कर देते हैं और इसको भी टाई कर देते हैं, राइट। सो इट इज कट एंड टाइड। व्हाट इज कट एंड टाइड, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, कट एंड टाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स, राइट। सो ये बंद हो गया, तो ओवा तो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं, स्पर्म नहीं आ सकेगा, तो इससे भी 100% प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता है। पर इसको अगर रिवर्स करना हो तो हम कर नहीं सकते। तो यहां पर क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स। याद रखिएगा बच्चों, ये हमने टर्मिनल मेथड बताया जिसमें क्या किया, वैसेक्टोमी में क्या होता है कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, उसके बाद वो जाता है एपिडिडाइमिस में जो कि ट्यूब लाइक नेटवर्क है, फिर उससे जाता है वासा डेफरेंस में, वहां पर कट कर दिया तो स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं हो पाता। सो वासा डेफरेंस इज कट एंड टाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड दैट इज रिफर्ड एज वैसेक्टोमी। अगर वही चीज मैं बताऊं ट्यूबेक्टोमी में, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये हो गया ओवरीज, ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर जो एम्ब्रियोनरी रीजन होता है वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। पर अगर हम ही फैलोपियन ट्यूब को कट कर दें एंड टाई कर दें तो क्या हो जाएगा कि दैट विल दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नील, राइट। पर इसका रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, राइट, वेरी लेस रेशियो ऑफ रिवर्सिबल रेट, राइट। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि कोई परमानेंटली अगर आगे जाके बच्चा नहीं चाहता है तो ही ये करवाता है, एंड दिस इज ऑलवेज परफॉर्म बाय क्वालिफाइड डॉक्टर, क्योंकि इसको ये सर्जिकल मेथड है तो ये कोई भी यू ऐसे ही कर सकता नहीं। बच्चों अभी हम लास्ट उसको कंक्लूड कर देते हैं इस पूरे टॉपिक को, जितनी भी हमने कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ी वो सभी मेथड्स जब हमको अप्लाई करनी हो तो हम पूरा कंसल्टेशन लेंगे कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ही और उसके बाद ही उसको अप्लाई करें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, राइट। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, राइट, जैसे कि आप सर्जिकल मेथड या फिर
केमिकल मेथड या फिर उसके बाद IUDs, ये सब जो मेथड्स जो हमने पढ़ी, राइट, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रॉपर कंसल्टेशन के बिना यूज करना सही नहीं होगा. सो इट शुड बी यूज बाय प्रॉपर कंसल्टेशन. यानी कि कोई डॉक्टर से हम सजेशन ले सकते हैं, पूरा उसके बारे में माहिती ले सकते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है और उसको अप्लाई करना है तो हम डेफिनेटली उसको करेंगे, राइट. ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो 100% पर्सनल यूज के लिए, बेस्ड ऑन पर्सनल यूज, राइट. इससे नहीं है कि इसमें कोई कंपल्सन है, पर अगर इसको फोर्स करना हो तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और टू स्पेस द चिल्ड्रन, जनरली यूज होता है टू स्पेस चिल्ड्रन एंड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, राइट, बाय ऑल्सो अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज. तो ये बच्चों हो गया अबाउट द कंट्रासेप्टिव मेथड, राइट. एक तो अच्छे से हम कंसल्टेशन लेंगे, कंसल्टेशन लेने के बाद उसका हम क्या करेंगे कि इसका प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा कि ये पर्सनल यूज के लिए है, इसमें फोर्स कर सकते हैं, पर किसके लिए, तो टू स्पेस द चिल्ड्रन, राइट. और सबसे बड़ी बात कि इसके साइड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स भी है. देखिए इल इफेक्ट्स कैसे होते हैं, इल इफेक्ट्स समझिए. एक है नोजिया, राइट, जैसे कि वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, वो एक इल इफेक्ट है. दूसरा है एब्डोमिनल पेन, राइट, दिस आर इल इफेक्ट्स, ओके, जनरली अकरिंग रेयरली, पर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट. तो ये हो गया एब्डोमिनल पेन, ओके. फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, राइट. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये भी एक हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. सो बच्चों बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, समटाइम्स यानी यहाँ पर बहुत से केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी देखने को मिला है, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो ये सब जो है वो है इल इफेक्ट्स, राइट. सो कोई भी अगर कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही उसके एडवांटेजेस भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है. यहाँ पर हमने दोनों को डिस्कस किया अच्छे से, पर इसको प्रॉपर कंसल्टेंसी के बिना नहीं यूज़ किया जा सकता. अच्छे से डॉक्टर के पास सजेशन लेने चाहिए. अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है तो उसको वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेने चाहिए कि आगे जाके ये रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है, कि बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, ये सब देख के ही यूज़ करना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ टोटली कंप्लीशन अबाउट ऑल द मेथड्स, ओके.